जानता हूँ मेरे राजेश ने मुझको यहीं पर बुलाए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ। कहाँ जा रही है रे? अरे धनराज तू? हाँ मैं। मैं तो अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहाँ से टपक पर? तू अपने पति का इंतजार कर रही थी? अरे जरा नजरें उठाकर मेरी तरफ देख, तेरे सामने साक्षात यमराज इंस्पेक्टर धनराज सिंह आया है। यमराज के साथे साथे गणासा राम लुटनऊ आया है। तेरे कहने का मतलब क्या धनराज? मैं समझ नहीं पाई। मेरे कहने का मतलब यह है क्या? कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जो तू मुझको जान से मार ले? मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ी है रे, मेरा बिगाड़ा है तो पैसा पैसा पैसा। तेरे भाई मंत्री मक्खनलाल ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या? तेरा भाई मंत्री मक्खनलाल हमारे साहब जी को तुझको मारने के लिए सुपारा दिया है। सुपारी में? सर सुपारी 1-2 लाख की होती है, जब करोड़ दे दिया समझो सुपारा हो गया। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। सर आप पैसे के चक्कर में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। चुप्पे की बात है, आप बताइए आपकी शादी हुई ना? अरे सर आप कुंवारे हैं, जरा सोचिए, इतनी सुंदर कबूतर जाल में फंसी है तो जान से काहे को मार रहे हो? पहले इस कबूतर को चुमकारो और इसके पखने को उलट पुलट कर देखो कि कैसी इसकी बनावट है। आप इसको मार दोगे ऊपर जाएगी, भगवान यही सोचेंगे। बताओ मैंने अपनी पूरी कारीगरी बनाकर, पूरी कारीगरी लगाकर इतनी सुंदर चीज इंसानों के लिए बनाया और सालों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया। सर आपको पाप लगेगा, भगवान की बनवाई हुई चीज है ये, वैसे इसको वापस मत जाने दो। इतना दिन मंत्री जी सबके बहनी बिटिया की इज्जत लूटे, आज उनके बहनी की इज्जत तू लूटा। का मंत्री बस सार देखा बताए का यहाँ इज्जत लूटा हुआ चला, 1 करोड़ रुपया ले लिया। Wow, you are great mind, रे लटनवा। आज मुझे मालूम हुआ कि तेरा भी दिमाग पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है। साहेब हमारे गांव जितना कंप्यूटर है सब हम चबाएंगे तब इतना का फास्ट है। ओ बर्रो। ए ममता रानी। आराम खोल पत्तवीज। जवान संभाल कर बात करना। मेरी जान आज मैं तेरी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा रे, लूट लूंगा तेरी इज्जत को। ए हराम को धनराज, पहले मेरी बात सुन। बोल। दाग कानून की वर्दी पे अगर लगाए वर्दी पे अगर लगाएगा दाग कानून की वर्दी पे अगर लगाएगा मौत के मुंह में दरोगा तू चला जाए। नहीं कमजोर इतनी औरत समझना मुझको, नहीं कमजोर इतनी औरत समझना मुझको, कहे भवरा जगत आज धोखा। शाम से लेकर सुबह तक किट 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 मचा के रखे हो कारे। ए रानी अरे यार बुरी आज तेरी है कमीनी बच न पाए। अब रुआज तेरी कमीनी अरे बच ना पाएगी, सकल अपनी जमाने को तुसाली दिखला न पाएगी। लूट कर मैं तेरी
तुझे गोली बचाने कोई हस्ती अब यहाँ ना आने पाएगी। हे साली रोहू मछली है छटक रही है ससुरी। ऐ बेलोटनवा लागत है बेलगगरा खानदान से है का। अबे जरा इसकी सूरत देख बे, ये जैसे हमारे सिसई बहनोई है उनकर बहिन बे या बगली घर आए घर सामने दिखा। हे रानी वास्तव में बे लोटनवा इसके गाल क्या है एकदम कश्मीर का सेब है बे इसका। तो कत कश्मीर के सेब दिखाता है हमको तो लागत है जैसे ही महाड़ौरा वाला हरकपुर वाला वो बतासा टिकाई। वास्तव में खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा आय हाय 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 मेरी ममता को किसने बनाया सोचता होगा। लगाओ सैकड़ो जूते ना बकबक काम आएगा, लगाओ सैकड़ो जूते ना बकबक काम आएगा, और चढ़ा है जो इश्क का भूत अभी उतर जाए। क्या बात है। अरे रानी क्या शेरनी शेर मारी, शेरनी के ऊपर शेर फिदा हो गया बे पागल। समझता नहीं है मासूम की जूतियां काबिले इज्जत होती है बे। अरे तो जब इतनी ही इज्जत होती है तो क्यों ना तेरी इसी वक्त इज्जत बनाई है। कहा चले गया बे? अबे बेहयाई तो हम 17 साल की उम्र से कर रहे हैं बे। इधर आज साले भाग गया रोमा भरे लुंडिया तो का चप्पल आई है तेरे भी तुझको भी चप्पल जाए। ए बे अरे जरा देख तो बे क्या खूबसूरत है यार इसकी शक्ल नजर से उतर नहीं रही है। ए रानी योर ब्यूटीफुल फेस देखकर तेरी सिलेंडर की ऐसी की तैसी झाड़े वाला लोटा मेरा छूट गया जा ले की आवाज तू जा। ए रानी योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माय नाइट स्लीपिंग छूट गया, योर लव के चक्कर में डार्लिंग माय गुड कैरेक्टर टूट गया रे। ये हरामखोर कितना नीच है जो मैं बात बोलती हूँ उसको ये काट देता है, जो मैं बात बोलती हूँ उसको ये काट देता है, और मैं थूक देती हूँ तो ये कमीना चाट देता है। यही तो हम सब कब से सोचा था तू जल्दी चटावा हम सब जाए। अरे ऐसा है रोमा भल्लौडिया से साले मार खाया बराबर ही तक बात है भैया ना जब हमको दे दिया तुम तो को ना देबे। अबे छोड़ आओ ए रानी ए ममता हाय 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 कसम खुदा की बे देख लो किस्मत कितनी साथ दे रही दो आइटम आई है। दो आइटम ए रानी ए ममता रानी अरे गोल्ड डायमंड का सूट पहन कर रानी ए हाय हाय लटनवा बे। अबे गोल्ड डायमंड का सूट पहन कर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो चेस्ट उठाकर बीट इज माई डार्लिंग मुझे सताती हो वजह से मार खाना पड़ रहा है। अगर तुझे साले जाना ही है अपनी आइटम के साथ जा साले यहाँ तो मार। अरे मैं हैरान क्या भाई। ए रानी भागती कहाँ हो? अरे जिसका मुझे हाय 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 कहाँ धक्का देता है मैं
जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। पागल साले, बदतमीज साले, मैं नाच रहा था सर, नाच रहा था। हाँ, प्यार में हद से गुजर जाना। मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। जब आप जानते हैं मैं ज्यादा खुश हो जाता हूँ तो मेरे आंख से दिखाई नहीं देता, सारे तो आप मेरे आगे क्यों आ जाते हैं? खुशी में नाच रहा था। नाच रहा था सर। प्यार में हद से गुजर जा। ऐसे ना मानी, ऐसे ना मानी। एक काले चला, एक चुचुरा तू पकड़ा, एक चुचुरा हम, एक ही नदी हम ले चली बताई पकड़ा। हे साली बहुत चटक रही है ना, आज इंस्पेक्टर थमराज सिंह से तेरी लाज कोई नहीं बचा सकता है। आज मेरी शैतानियत को देख खराब खोर। ए हाथो कमीना धनराज, मैं तुझको समझा रही हूँ कि मेरा रास्ता छोड़ दे। अच्छा, वरना तू जानता नहीं है, अगर तू कानून का पुजारी है तो मैं भी कानून की पुजारन हूँ। तेरी कानून की ऐसी की तैसी, आज कानून क्या है इंस्पेक्टर धनराज सिंह बताएगा तुझे। आराम खोर, अगर मैं चाह लूंगी तो तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तो दोनों कहीं की नहीं, जब बचे बहुबू तब तो बर्बाद कर बू। फोकट पहले तू लूट सकता न पत्नी की मेरे दे लाज तू लूट। अब कर सकता किसी अपना पे नजर मौसितम, मौत का रूप लेकर अब ये राजेस खड़ा। हस्त कहती है भवरा जगत की कलम हराम। अरे राजेश तू, अरे रंजीत तू, दोगले खियोला बोलो तेरा भौजी नंबर दो किधर गया? एक मिनट, एक बुला साले बुला। बोलो भैया। यहाँ गए। ठीक कह रहा है, आज पुलिस को पुलिसिया बना देंगे। कहाँ है वो सर? वो कहाँ है तेरा लोटनवा चमचा? कहाँ है बे? बुला साले को। लोटनवा बे, मैं बहुत मार खा रहा हूँ बे, कहाँ चला गया? कहाँ गया? साले तुरंत गोली मारूंगा। चल साले चल 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 चल। कहा था
उलट जा उलट जा। ए भैया का भाई जी मारा का है? हमका मारा समझो कुरावत गाय मारा। आप कुरावत गाय मारा? कुरावत गाय जी मारा नहीं, बच्चा फेंक दे। आज बच्चा फेंकवाए दे साले। आओ बात सारे बहुत धीरे में बोलबे, माइक बात बहुत जोर जोर। अरे इसको तो मिर्गी आने लगी साले को। ए मुल्ला जूता सुगा साले को जूता। इस मिर्गी कब से आवेला? ये क्या हो रहा है बे? अंदर वाली नस्ल मार दी आऊ का? अंदर वाली नस्ल? हाँ अच्छा? अभी ऐसे ना सही होए, अभी लाल जी बहनी लगे जा तब सही होई। भैया ये तो उसकी बिरादी का जो आया है। 75 मारना चिकने मार, कितना मारे करे? तू भी तो है समरे। चल बे चल चल चल। साले हराम खोर, सारी मरदई चली गई। हाय सैया एक दैया आई नहीं जाता। हाय सैया एक दैया आई नहीं जाता। हाय सैया एक दैया आई नहीं जाता। हाय सैया सैया एक दैया आई नहीं जाता। बाला जो बनवा तब आई नहीं। साले हिजड़ी करोगे तो बच जाओगे। बचने के लिए कहाँ गई मर गई? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया तेरी जिंदगी बचाएगा आज? उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था तू। हराम खोर, मैं तुझे उसी दिन कुत्ते की मौत मार दिया होता, लेकिन मेरे हाथों में हथकड़ी लगी थी, मैं मजबूर था। हराम जादे हैवान। ए अगर ये संगीता किन्नर जी जो कि अभी अभी यहाँ गाड़ी में बैठी हैं, जो कि बॉम्बे से चल कर आई हैं, ये सीन को देखते हुए काफी समय से संगीत को देख रही हैं, इसका अत्याचार इतना ज्यादा था, उनका कहना कि इसकी वर्दी उतरवा के इसको मारा जाए और इसकी वर्दी की अहमियत से बताया जाए कि वर्दी क्या चीज होती है। मर्द होकर महिलाओं के ऊपर हाथ उठाता है, कभी साले वर्दी पहन लिया साले तो भूल गया तो कौन बिरादरी है? 51 रुपए दिए हैं, धन्यवाद। अब हमार 3 लाख रुपया बचा बा तोहरे लगे। मारे इस पहले ओका दई के मरया, मार बहुत खाए। तेरा पैसा बाकी है क्या बे? 3 लाख रुपया बाकी बा बे हमार। हाँ? हाँ? साला हराम खोर, सच में इस वर्दी की कीमत को नहीं जानता। इस ये वर्दी पहनने का तुझे हक नहीं है। उतार साले वर्दी, उतार। नहीं वर्दी नहीं उतार, साले वर्दी उतार। याद करो दिन साले कुत्ते, जिस दिन आया सरकार ने तुझे वर्दी दिया, तिरंगे के नीचे क्या कसम खाया था कि मैं पूरी श्रद्धा ईमानदारी के साथ शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश कानून संविधान और समाज में दबे कुचले लोगों की रक्षा करूंगा। साला चंद रुपये पर बिकाऊ
साले इस वर्दी को तूने दागदार कर दिए। अरे इसे क्या याद रहेगा भैया हराम खोर को, ये तो साला एक शैतान है, इंसान थोड़ी ना है। ये आ गए श्रीमती हमारी बसंती किन्नर जी जो कि बॉम्बे से आई हैं। ये सीन को देखते हुए उनका भी कहना है, 100 रुपए का पुरस्कार दी है, बड़ा आशीर्वाद स्वरूप आया है उनकी तरफ से हम सभी कलाकारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे गुरु महान लोग जो आए हम जैसे कलाकारों को प्रोग्राम को देखने। तो उनका कहना है कि ये जौन पुलिस वाला है, ये साला पुलिस वाला गुंडा है ना, इसको मुंडा कर दो, अब इसको ऐसे मार मारा जाए, ऐसे मार मारा जाए कि साला कभी वर्दी ना पहन पाए। अबे देखो बाबू अब तुम फंस गए हो, पहला जाओगे। अबे ये वैसे भी मर चुका है, इसे एहसास हो गया है हरामखोर को। उस दिन कह रहा था कि इंसानियत क्या होती है, मेरी नजर में पैसा ही सब कुछ है, इंसान की कोई कीमत नहीं है। गरीब गरीब को कीड़े मकोड़े समझता है ना, गरीब को देखकर तुझे जलन होती है। हराम जादे वो हम जैसे गरीब जनता का पैसा रहता है जो तुम लोगों को पगार मिलता है, हराम खोर तेरी वजह से हमारी भाभी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई, जितना बड़ा गुनहगार मंत्री मक्खन लाल रही है, हराम खोर उससे बड़ा गुनहगार तो तू है, तेरी वजह से मेरा मासूम भतीजा मारा गया। अगर तू अपनी ड्यूटी समझता, अपनी वर्दी की कीमत समझता तो आज मंत्री मक्खल जाल जैसे दरिंदे सलाखों के पीछे होते। लेकिन हराम खोर उस दिन मैं तुझसे हाथ जोड़ता रहा कि इंस्पेक्टर बाबू मुझे जाने दो, मेरी भाभी माँ घर में अकेली है, मेरा भतीजा बहुत बीमार है, कहीं हमारे घर में कोई अनहोनी ना हो जाए। तो हराम खोर मेरी एक भी बात नहीं सुना, वो मेरा मासूम भतीजा तो ठीक से दुनिया भी नहीं देखा था, वो इन दुनिया वालों का क्या बिगाड़ा था जो उसने मौत के घाट उतार दिया गया। हराम जादे तेरी नजर में इंसान की कोई कीमत नहीं है, बहन बेटी क्या होती है तू जानता ही नहीं है, ममता किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं, परिवार किसे कहते हैं, तू कहां से जानेगा, तू तो साले एक अनाथ है, यतीम है यतीम, न जाने किस गंदी नाली का कीड़ा है तू, न जाने किस जात की पैदाइश है। रोता क्यों है हराम खोर, ये मोटे मोटे आंसू क्यों बहा रहा है, मन कर रहा है साले तेरा भेजा उड़ा दूं तुरंत। मार दो राजेश, मार दो मुझे जान से, वास्तव में इस दुनिया में मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे सहवाल इंसान को मर जाना ही ठीक है। अरे मैं क्या जानू कि परिवार क्या होता, अपने क्या होते, अरे बचपन से लेकर जवानी तक पैसों पर खेलता रहा मैं, गरीब इंसानों की कोई अहमियत नहीं किया करता था, मैंने अपनी स्वर्गी की कीमत नहीं किया, भारत सरकार ने जिस उम्मीद से मुझे यह वर्दी दिया मैं उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, अपने ही हाथों अपनी वर्दी को दागदार कर लिया, कलंकित कर लिया मैंने, इस दुनिया में वास्तव में जीने का कोई अधिकार नहीं है। अरे मैं क्या जानू कि परिवार क्या होता है, शायद इसीलिए ऊपर वाले मालिक ने इस दुनिया में मुझे अनाथ बनाया है, ना तो इस दुनिया में मेरी माँ है ना मेरी कोई बहन है, तो मैं दूसरों की बहन बेटियों की कद्र क्या जानता। मंत्री मक्खनलाल के संरक्षण में रहकर मैं पला बढ़ा, जिस तरीके से वो कठपुतली की तरह मुझे नचाता रहा, मैं नाचता रहा केवल दौलत की चाह में, मैं नहीं जानता था कि इस दुनिया में दौलत ही सबसे बड़ी चीज नहीं होती है। अरे जिसके पास परिवार नहीं, जिसके पास परिवार नहीं अपने नहीं, अरे उसकी जिंदगी क्या है इस दुनिया में। रहमान सब कुछ बर्बाद हो गया, वास्तव में साथियों इस दुनिया में अपने परिवार से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है, कोई दौलत नहीं होती है, अपना भाई भाई होता है, अपना परिवार परिवार होता है, कभी अपने परिवार से बिछड़ने की कोशिश मत कीजिएगा साथियों। अरे मैं तो ठहरा अनाथ, मेरी जिंदगी का क्या, मेरे पीछे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, आज मुझे एहसास हुआ, आज मेरा जमीर जागा, मेरी इंसानियत जागी कि वास्तव में इंसानियत होती क्या चीज है।
सच कहते हो राजेश, अब इस दुनिया में जीने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। क्या फायदा है आज तेरी इंसानियत जागी है, क्या फायदा है? हराम खोर, क्या मेरा भतीजा, मेरा मरा हुआ भतीजा वापस आ जाएगा? मरेगा साले तू, आज आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमला रुख। हे धनराज, अगर वाकई तेरा ईमान जागा है, इंसानियत जागी है, तो एक नेक काम कर दे। बहुत तू जानता है वो साला कुत्ते की औलाद मंत्री मक्खन ललवा कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है? बोल। ये संगीता जी आ गई, संगीता किन्नर जो कि सेवई से चलकर आई हैं, और उन्हीं के साथ साथ हमारे पूजा जी आई हैं, और उन दोनों महान भाव की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप भी 151 का पुरस्कार आया है। उनका कहना है कि इस दरोगा को ऐसे मार मारा जाए कि अपनी अवकाश समझ में इसको आ जाए कि वर्दी पहनने के बाद ये हैवान बन गया था इंसान से। अरे मैं तो खुद शर्म से मर चुका हूँ, अब इस शरीर में क्या बचा है, केवल जान है। अरे मेरा ईमान तो मर चुका है, सच में ये मर गया है। आज इसे एहसास हुआ है कि इंसानियत क्या होती है, इसका जमीर जागा है आज। अगर तू अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है धनराज, अपने इस वर्दी की दाग को धोना चाहता है, तो तू बता मेरी भाभी माँ अपने हुए मरे हुए बच्चे की लाश लेकर तेरे पास आई थी, इस वक्त मेरी भाभी माँ कहाँ होगी? मंत्री मक्खनलाल का ठिकाना कहाँ कहाँ है? मैं सब कुछ बताऊंगा राजेश। बता। इस वक्त तुम्हारी भाभी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर शमशान घाट जा रही है उसका कफन दफन करने के लिए। एकमात्र तुम्हारी भाभी ही है जो आखिरी सबूत बची है, जो कि मंत्री मक्खनलाल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है। वो तुम्हारी भाभी को चांद से मारने के लिए जा रहा है, जल्दी करो राजेश, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनर्थ हो जाए। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, आज मरेगा मंत्री मक्खनलाल, आज मरेगा। एक बात सुन ले, होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, कोई नहीं तो शैले तेरे भेजा हुआ होगा। चल चल चल। ये कौशाम्बी से करिश्मा किन्नर जी आई है, जो कि सारी रात बैठकर ही उन्होंने ऐसा आज मैं वो काम करके आ रही हूँ जब दुनिया की किसी औरत ने नहीं किया होगा, अपने इन्हीं हाथों से, अपने इन्हीं हाथों से अपनी औलाद को दफना करा रही हूँ। अरे ऐसा दिन देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई? होगी तेरी मौत, मरेगी अवश्य मरेगी, अगर तो दुनिया में जिंदा रहेगी तो मुझे फांसी के तख्ते पर भी पहुंचा सकती है, इसलिए हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और देखते हैं बताने वाला तुझे कौन आता है। बुला जिसे बुलाना हो। मक्खनलाल, 10 साल तेरा खेल खत्म हुआ कुत्ते। ए, ऐसा कोई काम मत करना, मैं कहता हूं कि वंदना को छोड़ दे, तू मुझे जान से मारना चाहता है ना? ए ससुराल पालतू कुत्ता, मेरे टुकड़ों पर पल्ले वाला, आज तू मेरा दुश्मन बन गया है, और तू मुझ पर गोली चलाना चाहता था, आज मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। अरे तू मारना चाहता है ना, जान से मार दे, आखिर इस दुनिया में मेरा आप कुछ बचा ही क्या है? तूने तो एक इंसान से मुझे शैतान बना दिया हरामखोर, मार दे मुझे जान से। बेशक मार दूंगा, चल साले इधर। कहा जाएगी, कहा जाएगी? अगर तू मर जाएगा सबूत खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तो जिंदा ही रहेगी ना, इसलिए मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा जान से। चल चल यार, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कमीना मक्खनलाल, तू अपनी कमी का साले सजा पाएगा आज, जिंदा तुझे मछाता नहीं, मेरे हाथों से मुल्के अदम जाए। तेरी मंत्री की बहन के साले, इधर आ। क्यों बे?
गोली मारेगा, देखो मारेगा तेरी बहन का। ये दरोज रुको, ये दरोज रुको। ये हमारे करिश्मा किन्नर जी की तरफ से 101 रुपए से मारने के लिए। हराम साले क्या करने जा रहा था, जान से मारने जा रहा था मेरी भाभी माँ को। मार नहीं मारूंगा, नहीं 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 राजेश, नहीं मर जाऊंगा। लग रहा है, अरे गांव वालों बचाओ, मत मारो रंजीत, बचा लो मुझे। हराम खोर उस दिन मुझे बालोई नहीं मार रहा था ना, क्या कह रहा था कि ऐसे रिश्तेदार को जूता से मारता हूं। अरे आप देख क्या रहे भैया, यही मेरे मासूम भतीजे को मारा है, मारिए साले को, मारिए हराम खोर को। देखो नारी ने केतन खोल रखा है रंजीत, और इसी यार में बलाऊ की इज्जत से खेलता है। देखो मुझे जान से मत मारो, तो बच्चे ये प्रदेश छोड़कर तू चल जाओगे। हाँ तो जाएगा वहां भी नारी निकेतन खोले। एक बार जाने दो, एक बार जाने दो साले, तुझे इस दुनिया से उस दुनिया में भेजूंगा, तुझे इस दुनिया में। ये हराम खोर मेरी भाभी माँ की इज्जत लूटा है, मेरे मासूम भतीजे को जान से मारा है। सोचा देखो, कानून अपने हाथ में मत लो, ये भोसड़ी का मेरा शिकार है, समझ में आया? तुम लोग कानून अपने हाथ में मत लो, इस शराब खोर ने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है, आज मैं इस साले की जिंदगी को बर्बाद करूंगा, ठोक साले को। देखो धराज, तुम मुझे नहीं मार सकती हो। क्यों नहीं मार सकता? मैं ये प्रदेश छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। आ जाएगा तू। हरामजादे, आज तेरा बनाया हुआ हथियार तेरे ही काम आएगा। मार साले को, तुझे मैं इस दुनिया से उस दुनिया में भेजूंगा जहां पर जाने का बात नहीं। नहीं 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 मार सकते हो, बिल्कुल नहीं मारोगे। मार साले को, मार। यहाँ आओ, देखो बहन, मैं तुमसे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत पापी इंसान हूं। बहन, मैं तुम्हारा बीता हुआ कल तो वापस नहीं कर सकता, तुम्हारे मरे हुए बच्चे को वापस नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बच्चे के कातिल को मैंने इस दुनिया से मिटा दिया हूं बहन। अब मैं जा रहा हूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा बहन। इस दुनिया में मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, आज खुशी इस बात की है मुझे कि एक नेक काम करके मैं जा रहा हूं बहन जेल। अगर मालिक ने चाहा जिंदगी सलामत रही, अगर मैं कभी जेल से बाहर आया तो वादा करता हूं कि तेरे ही हाथों मैं अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा बहन। जो कुछ भूल चूक हो गई हो मुझसे, अपना नादान नालायक भाई समझ कर माफ कर देना बहन, मुझे माफ कर दे। धनराज भाई, एक तरफ अपनी बहन बना रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन तू हमारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बनवाएगा। ए धनराज, सबसे ज्यादा तू अपने आप को कानून के हवाले कर, मालिक ने चाहा तो तू बहुत कोर्ट से बाइज्जत बनी होकर के मेरे घर आएगा। तू नहीं जानता, नहीं तू तो बराबर जानता है, मेरे घर में एक ऐसी बहू है साल के टापरों में से एक है। और एक बात याद रखना धनराज, जिस दिन तू जेल से छूट कर आएगा ना, हम दोनों भाइयों के घर का दरवाजा तेरे लिए खुला रहेगा।
भैया आज मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में अपनापन क्या होता है। इतने गुनाह करने के बावजूद इतना अत्याचार मैंने आप लोगों के साथ किया, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ इतनी हमदर्दी बरत रहे हैं। आप लोग जैसा महान इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जा रहा हूं भैया, जो गलतियां मुझसे हो गई हो अपना छोटा भाई समझ कर माफ कर देना। ए धनराज, एक बात मेरी सुनता जा, तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, जमीन बेच के दुनिया में नाम मत करना, किसी मकान की छत से गिरो तो फिक्र नहीं, और किसी निगाह से गिरने का काम मत करना। जा। ओ वंदना, हाँ मैं तेरा गुनहगार हूं, आज जो कुछ भी हुआ सब मेरी बदौलत हुआ, आज मेरा पूरा परिवार तिनके की तरह बिखरा तो मेरी वजह से। वक्त अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। फिर वंदना काहे को चिंता करती, अभी हमारी उम्र ही क्या है, और फिर मालिक ने हमारे घर में एक ऐसी चांसी बहू दिया है कि मालिक ने चाहा तो हमारे घर में फिर से खुशी आएंगी, फिर किलकारियां होंगी। ए मुन्ना, देख अपनी भाभी को समझा और समझा के। अब रोइए नहीं भाभी मां, मैं आपके बेटे को वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन आपसे हमारा वादा रहा भाभी मां कि मैं बेटे का हर फर्ज पूरा करूंगा। मैं और मेरी पत्नी सारी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे, कभी आपको बेटी या बेटे की कमी महसूस नहीं होने देंगे, और मालिक ने चाहा हमारे घर में फिर से खुशी आएगी। आप रोइए नहीं, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, हमारी संगीत यहीं से खत्म होती है। संगीत का नाम था भाई बना कसाई, भाई बना कसाई, घर की इज्जत बहन लुटाई, उर्फ माँ बनी भौजाई। अगर हमारा कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लोग कार्ड वगैरह ले सकते हैं, और गाना उन्हें सुनना चाहते हैं।